नमस्कार, healthy.com के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हरी मटर को हम कैसे स्टोर करके साल भर तक यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देखते हैं हरी मटर को हम कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। मटर को स्टोर करने के लिए हमने इस तरह की जिप लॉक बैग ले ली है। अगर आपके पास इस तरह की जिप लॉक बैग नहीं है तो आप किसी भी नॉर्मल प्लास्टिक के बैग में मटर को रख के ऊपर से रबर बैंड लगा के टाइट करके रख सकते हैं। हरे मटर को हमने धोकर छील के ले लिया है। हमने एक बड़े बर्तन में पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया है। इतना पानी हमें लेना जितने में मटर आसानी से डूब जाए। पानी में हम करीब 2 चम्मच चीनी डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच। चीनी डालने से मटर जो है वो मीठे ही रहेंगे, उनका टेस्ट चेंज नहीं होगा। पानी जैसे बॉयल होने लगेगा, तेजी से खोलने लगेगा, तब हम इसमें मटर डालेंगे। पानी उबलने लगा है, अब इसमें हम ये मटर डाल देंगे। गैस बंद कर देंगे और मटर को इस तरह से उबलते हुए पानी में 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमें बर्तन को ढकना नहीं है, ऐसे खुला ही रखना है। 2 मिनट के बाद हम इसे निकाल लेंगे। दूसरे बर्तन में ठंडा पानी ले लिया है और मटर को हम निकाल के डायरेक्टली ठंडे पानी में डाल देंगे। ठंडे पानी में डालने से मटर का जो हरा रंग है वो वैसे ही रहता है, ये इसका रंग चेंज नहीं होगा। मटर को हमने ठंडे पानी में डाल दिया है, ऐसे ये एकदम अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे। हम इसे निकाल लेंगे। मटर ठंडे हो गए हैं, इसे वापस हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। सारा पानी हम डाल देंगे और इसे निकाल लेंगे। ये मटर हो गए हैं, अब इसे हमें एक सूती कपड़े के ऊपर थोड़ी देर के लिए डालना, जिससे इसका पानी सूख जाए। तो एक कपड़े के ऊपर से डाल देते हैं, एक कपड़ा ले लेंगे हम इस तरह से और इसके ऊपर हम इसे डाल के पानी इसका सारा सुखा देंगे। इसका सारा पानी सुखा देंगे। ये हो गए हैं, अब हम इसे जिप लॉक बैग में डालेंगे। इस तरह से हम इसे जिप लॉक बैग ले लेते हैं। अब खोल के हम इसे इसमें भर देंगे। इस तरह से हमने एक जिप लॉक बैग में भर लिया है मटर। अब इसे हम पूरी तरह से इसकी हवा निकाल के इसके बाद ही हम इस तरह से इसे बंद करेंगे। अगर इसमें हवा रह जाएगी तो फिर इसमें मटर में बर्फ जम जाएगी, तो इसकी सारी हवा निकाल देंगे और इसको हम बंद कर देंगे। देखिए पूरा एयर टाइट हो गया, इसमें बिल्कुल हवा नहीं है अंदर। इस तरह से बंद करना। इसी तरह से बाकी की मटर भी हम दूसरे बैग में भर लेते हैं। मटर को अलग अलग कई सारे बैग में भर के रखें तो अच्छा रहता है, जितना यूज करना है हम निकाल के यूज कर सकते हैं। बड़े बैग में एक बैग में रखने से फिर वो बार बार खोलने से और निकालने से खराब हो जाती है, तो अलग अलग छोटे छोटे बैग में भर के रखें। ये हमारे मटर स्टोर करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसे हम फ्रीजर में रख देंगे और जब भी आपका मन करे इसे निकालें और इसकी सब्जी या जो भी चाहे बनाए, और इसे आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये खराब नहीं होंगे।